वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के दो जिलों राजौरी और रियासी में 7 जगह छापा मारा है। जिन लोकेशन पर तलाशी जारी है वो हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स से जुड़े हुए हैं। ये छापेमारी 9 जून को रियासी में एक बस पर हुए आतंकी हमले से जुड़ी है। इस हमले में 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। बस रियासी के पौनी इलाके में शिवखोबी से कटवा जा रही थी। आतंकवादियों की गोलीबारी से बस खाई में गिर गई थी और इस हमले में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें बच्चा भी शामिल था। गृह मंत्रालय ने 17 जून को आतंकी हमले की जांच का जिम्मा NIA को दे दिया था।